नमस्कार आप सभी को। तो आपके एग्ज़ाम में आपको पूरे 5 नंबर दिलवाने के लिए मैं आज इस मैप को एक ट्रिक से सोल्व करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे ही याद करते हैं तो हम थोड़े टाइम के बाद मैप को हमेशा भूल जाते हैं, पर हम आज इसको इस तरीके से याद करेंगे। सिर्फ एक लाइन की स्टोरी होगी और उस स्टोरी के अंदर आपको ये सारे नाम भरने आ जाएंगे। तो ये जितने भी एरिया हैं ये सारे के सारे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पवित्र स्थल हैं। तो सबसे पहले आप एक स्टोरी सुने छोटी सी। साउथ के जो हीरो हैं नागार्जुन, उनसे एक लड़की प्यार करती थी खुशी नाम की, और वो खुशी कहाँ की थी? बिहार की थी वो लड़की। तो वो जो खुशी थी वो बहुत ही लंबी थी हाइट में, तो नागार्जुन जो था उसको पसंद नहीं करता था। उसने बोला कि पहले तुम जाओ सारनाथ की यात्रा करके आओ, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूँगा, तभी मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो अब यहाँ से सिर्फ आप एक लाइन याद कर लो, लंबी खुशी सच्ची में सारनाथ गई। बस आपको ये लाइन याद करनी है यहाँ तक, लंबी खुशी सच्ची में सारनाथ गई। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको इसी तरीके से अपने माइंड में सेट कर ले और ऐसे ही इस लाइन को याद करें कि लंबी, उसके नीचे लिखना हमें खुशी, सच्ची इस तरफ, बीच में सारनाथ और इसके राइट हैंड साइड में गई। तो लंबी खुशी सच्ची में सारनाथ गई। तो लंबी से बना लुम्बिनी, खुशी से बना खुशी नगर, सच्ची से बना साची, और सारनाथ तो सारनाथ है ही, और गई का बन गया गया। तो यहाँ पे क्या है, बोध गया कह सकते हैं, या आप सिंपल यहाँ पे गया कह सकते हो। गया एक बिहार में जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साची में महात्मा बुद्ध का एक पवित्र स्तूप है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो ये सारे जो स्थल हैं ये सारे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो दोबारा इस लाइन को समझे बिल्कुल अच्छे से, लंबी खुशी सच्ची में सारनाथ गई। तो लुम्बिनी, खुशी, साची, सारनाथ और गया। तो यहाँ तक आपको याद हो गया। अब नागार्जुन ने क्या बोला था, जब तुम साची जाओगे तभी तुमसे मिलने आ जाऊँगा। तो नीचे से आंध्रा, आंध्र प्रदेश है एरिया, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर ले पहले ही मैप को भरने से। एक तो आप शुरू में पॉइंट आउट कर ले नेपाल के पास, ये जो मूसा बना हुआ है यहाँ पे बिंदु लगा ले, यहाँ पे लुम्बिनी, और नीचे पहुँच जाएँ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैप को भरने में। स्टोरी आप दिमाग में ले आए बस, और आप इसको आसानी से भर दोगे। और जो आपका मैप एग्ज़ाम में आता है उसमें तो बिल्कुल ये पॉइंट लिखे होते हैं, तो ऐसे अगर आपने एक बार स्टोरी सुन भी ली ना तो भी आप इनके सारे नाम लगा दोगे। तो दोबारा से देखो एक बार, लंबी खुशी साची सारनाथ और गया। तो लुम्बिनी, खुशीनगर, साची, सारनाथ, गया। उसके बाद क्या था, नागार्जुन ने कहा था मैं मिलने आऊंगा, तो नागार्जुन अमरा से कार लेकर उससे मिलने गया। आप इसको भी ऐसे याद कर लो जैसे लिखा रहा है, नागार्जुन अमरा से कार लेकर उससे मिलने गया। तो पूरी स्टोरी सुन लो एक बार, लंबी खुशी सच्ची में सारनाथ गई। तो ये ऐसे लाइन से भरते आओ आप, लंबी से लुम्बिनी, खुशीनगर और साची, सारनाथ, गया। तो लंबी खुशी सच्ची में सारनाथ गई, उसके बाद नागार्जुन अमरा से कार लेकर उससे मिलने गया। तो नागार्जुन से बना नागार्जुन कोंडा, अमरा से अमरावती, और कार लेकर तो कारले, नाम का जगह का नाम ही क्या है, कारले। तो कार लेकर मिलने गया। तो इस तरीके से ट्रिक के साथ हमने इस मैप को अच्छे से कर लिया है, और ये मैप भी इम्पोर्टेंट है आपका। हमेशा हमारी 12th क्लास के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बोध वाले चैप्टर से या हड़प्पा वाले चैप्टर से या फिर महात्मा गांधी या 11th चैप्टर से ही पूछे जाते हैं अधिकतर। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं हमारे मैप के लिए। तो 2-3 बार आप इस मैप की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम करने वाले हैं इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मस्ट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज विदाउट हिटिंग बेल आइकन यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर अपकमिंग अपलोड्स। और हाँ, जो हमारी 12th की सीरीज चल रही है तो प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 सीक्वल से सारी वीडियो जरूर देखें, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली यू विल टॉप इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजिशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर
फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिखकर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।